भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए सजग है, तैयार है और इस बार का चुनाव 2024 का पूरे देश में एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का होगा, दूसरे तरफ INDIA के लोग वंशवादी और भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने के लिए लड़ेंगे। अब जनता मालिक है, जनता निर्णय देगी कि यह राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त बने या भ्रष्टाचार युक्त बने, वंशवाद परिवारवाद से मुक्त राष्ट्र बने या वंशवादियों की जमींदारी की मानसिकता से राष्ट्र चले, ये निर्णय देश की जनता करेगी। ये जाति जगराना पड़ेगा, जिस तरीके से जो गलत आंकड़े का आरोप लग रहा था उस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर गलत करना होता, अगर डाटा हेरफेर करना होता तो मुख्यमंत्री नीतीश जी अपनी संख्या बढ़ाते संख्या कर पूरी तरह से फर्जी डाटा आंकड़ा है। मैंने चुनौती दिया उनकी बैठक में कि आपका कौन सा मैकेनिज्म है जो परिवार अपने घर से, अपने जिले से बाहर थे, राज्य से बाहर थे, देश से बाहर थे, आप कैसे उनका गणना किया? मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को ऊपर तरफ इशारा करके कहे बताइए, और पदाधिकारी ने कहा कि हम परिवार के हेड से सारा डाटा आंकड़ा लिए और साइन करवाए हैं। हमने कहा कि परिवार का हेड मैं है, हम या हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, परिवार के मेरे किसी सदस्य से आपका साइन है तो आप हमको उपलब्ध कराइए। कोई साइन नहीं दिखाया गया है। आप बैठ करके एक जगह डाटा आंकड़ा, अरे डाटा आंकड़ा तो नगर निगम का जो टैक्स भरता है, बिजली का बिल भरता है, मकान का डाटा आंकड़ा वहां से एकत्रित कर सकते हैं। एक जगह बैठ करके जो बता देगा उसको आप लिख लेंगे। कई लोग ऐसे छूटे हुए हैं, आज कई लोग इसका चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है, हमने तो कहा था कि आप सार्वजनिक करिए, आप पब्लिक डोमेन में डालिए, गलती होगा सुधार के लिए लोग आपत्ति करेगा, आपत्ति को सुधार करके तब डाटा आंकड़ा आप जारी करिए, फाइनल डाटा आंकड़ा। अब सर्वे, आर्थिक सर्वे किए हैं, आर्थिक सर्वे में गलत डाटा आंकड़ा भर देगा, कई गरीब गरीबी रेखा से बाहर चला जाएगा, वो सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाएगा। पहले भी इनके गलत जो कई इनके लोग डाटा आंकड़ा संग्रहित करने वाले हैं और इंदिरा आवास देते थे, अब प्रधानमंत्री आवास, कई बेचारा गरीबी रेखा से बाहर हो गया, वो वंचित रह गया। ये क्यों डाटा आंकड़ा सार्वजनिक नहीं कर रहे और क्यों नहीं दावा आपत्ति के लिए डेट तय कर रहे हैं? आप जब ठीक किए हैं, सही किए हैं, तो दावा आपत्ति के लिए आप डेट सार्वजनिक कर करके ले लीजिए। ये सब फर्जी लोग हैं, सत्ता के लिए, चुनाव के लिए उन्माद फैलाने वाला। ये कौन लोग है? ये वही लोग है ना जंगल राज का, जो जातीय उन्माद फैला करके जातीय नरसंहार कराते थे। दो जात के बीच में लड़ाने वाले लोग हैं, इनसे कैसे उम्मीद करते हैं कि ये राज्य की जनता के हित में काम करेंगे? ये सत्ता के लिए किसी भी सीमा तक नीचे गिर करके बिहार में आग लगा सकते हैं। ये उपेन्द्र कुशवाहा ने भी कहा है कि जिस तरीके से जो फर्जी डाटा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और राजभवन जाएंगे। उपेन्द्र कुशवाहा जी तो कह ही रहे हैं, जीतन राम मांझी जी अंदर में बोले, कुछ दूसरे दल के, उनके सत्ताधारी दल के भी लोग आपत्ति दर्ज किए हैं। मुख्यमंत्री जी, अपने स्वार्थ अहंकार और सत्ता के लिए आप बिहार के बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े नायक के रूप में इस बिहार को बर्बाद करने में उभरे। अब जाते जाते बिहार को जलाने का खेल खेलेंगे, आपका अस्तित्व मिट जाएगा। बिहार की जनता सबसे कलंकित पुरुष के रूप में इनको जानेगा। देखिए, सुधाकर जी का दर्द हम लोग समझते हैं। जो व्यक्ति अपने विभाग के अंदर नए नए मंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचारियों के बीच बैठ गए हैं। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी का संज्ञान लेने की बजाय उन्होंने जो आवाज उठाया उसी को बाहर का दरवाजा दिखा दिए। उन्होंने सच कहा है कि आज पदाधिकारी ब्लॉक से लेकर जिला तक, यहां तक कि विभाग में खुल के भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है, और इन भ्रष्टाचारियों की जमात न सुनवाई करती है न कार्रवाई करती है। तो उनके मन के आक्रोश को निकला है कि उनके मुंह पर थूक दो, उनको जूते मारो, लेकिन मानवता के नाते हमारा संस्कार इस तरह का नहीं है। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जन आंदोलन करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार
जरूर करना चाहिए। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से जो वीडियो आया है, सरकार जिस तरीके से मोदी को देख रहे हैं, देखिए मानवता को लज्जित करने वाला, शर्मसार करने वाला वीडियो है ये सरकार का। ये जंगल राज को जनता राज बताने वाले, गुंडा राज में तब्दील करने वाले लोग जो थाने के अंदर डाटा आंकड़ा कम करते हैं कि एक्सीडेंट का घटना भी कम दिखाओ, अपराध का घटना कम दिखाओ, पुलिस दबाव में है, जैसे तैसे वो फेंक करके निवृत्त होना, क्योंकि ले जाता, पोस्टमार्टम कराता, उसकी एंट्री करती, फिर उसको मुआवजा देना पड़ता, कई प्रक्रिया पूरा करना पड़ता, लेकिन ऐसे लोग माफी के लायक नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के जो असुर प्रवृत्ति के मानवता के दुश्मन है, ऐसी मानसिकता जिसके दबाव में हो रहा है, उस सरकार को जवाब देनी चाहिए।